हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है स्पिटी सी हेयर बो क्लिप का। तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेना है आपको इस तरीके का जो नेट का फैब्रिक आता है वो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रखी है। देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच की है। इसकी लंबाई भी मैं बता देती हूँ कि मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी है। देखिए, इसकी जो लंबाई है वो 19.5 इंच है। आप 19 इंच ले लीजिए। मेरे पास ही इतना फैब्रिक था तो मैंने सारा का सारा ले लिया है। अब आपको इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है, पूरे इसके किनारे मिलाते हुए, और फिर इस तरफ और इस तरफ स्टिच करना है। तो देखिए, मैंने इसकी तीनों साइड स्टिच कर ली है। अब आपको क्या करना है, इसकी लंबाई में इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके बीच में से इसकी सिलाई खोल लेनी है। और फिर जहाँ से आपको इतनी सिलाई खोलनी है जहाँ से ये कपड़ा आसानी से सीधा हो जाए। मैंने यहाँ जो नेट का फैब्रिक लिया है वो लाइट पिंक कलर का है, तो थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम जा रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम इसे फटाफट सीधा कर लेंगे। इस तरीके से इसके कोने वगैरह सारे निकालते हुए आपको इसको सीधा करना है, एकदम फिनिशिंग के साथ करना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे पूरा सीधा कर लिया है। अब हम इसे साइड कर देंगे और ये इस तरीके का कपड़ा लेंगे। तो मैं बताती हूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच की है। अब क्या करना है, इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके इसके पूरे किनारे से स्टिच करना है। तो देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें पिन लगाएंगे और इसे पिन लगा के हम सीधा कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने गलती से उल्टी पिन लगा ली है, तो आप थोड़ा ध्यान से काम करिएगा और इसे हम फटाफट सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप बन के तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले हमने कपड़ा लिया था ना, उसको लेंगे और अच्छे से उसे फैला के इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसकी प्लेट्स बनानी है। आप अपने अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी कैसी भी प्लेट्स बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसकी प्लेट्स बना ली है और इसे आपको बीच में से पकड़ना है ताकि इसका जो लुक है वो प्रॉपर आए। और फिर ऐसे सुई में धागा डाल के आपको इसे इस तरीके से ऐसे सिल लेना है। मैंने यहाँ पे पिंक कलर के नेट का फैब्रिक यूज़ किया है। आप भी नेटिव का फैब्रिक यूज़ करें, जो थोड़ा सा हल्का सा जो सॉफ्ट वाला नेट आता है ना, ये वो है। फिर आपको इस तरीके का कपड़ा लेना है। तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी मैंने लंबाई चौड़ाई कितनी रखी है। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है ना वो अप्रॉक्सीमेट 18 इंच है। ठीक है, इस तरीके से मैं पूरा, ये टेढ़े में है तो मैं आपको सीधा में करके बताती हूँ। ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 18 इंच। ठीक है, अब मैं इसकी आपको लंबाई भी मेज़र करके बता देती हूँ। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी रखी है मैंने, देखिए इसकी जो लंबाई है ना वो 20 इंच है। ठीक है, तो आप इतने लंबाई चौड़ाई का ले लीजिए। अगर आपको ज़्यादा लॉन्ग टेल चाहिए तो आप कपड़े की लंबाई चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसका कोई भी एक कॉर्नर ऐसे पकड़ना है और ऐसे एक जैसी प्लेट्स बनाते हुए चलना है। कोशिश कीजिएगा कि प्लेट्स एक जैसी हो, और अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बस आप प्लेट्स बना लीजिएगा पूरी पकड़ के। और हाँ, मैं आपको बता रही थी कि आप कपड़े की लंबाई अपने अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही लंबी टेल चाहिए होगी तो आप जो कपड़े की लंबाई है उसे एक्स्ट्रा में ले लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से ये हमारा टेल बन चुका है। अब अपना ये बो लेंगे और इसके नीचे से अटैच कर लेंगे इस तरीके से ऐसे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फटाफट सिल लेंगे। जब आप इसे सिलें तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा, क्योंकि ये नेट है सॉफ्ट वाला नेट, यानी एकदम जो हार्ड नेट आता है वो नहीं है और जो अल्ट्रा सॉफ्ट आता है वो नहीं है, ये मिड वाला नेट है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इसके जो साइड से, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया ना, ये कपड़ा वपड़ा निकल बाहर की तरफ जाए, तो आपको उसको सिल के अंदर कर लेना है, क्योंकि हमारा नेट वैसे भी फैलता है। तो इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा दबा के ऐसे बना लेना है। वैसे आप इसे किसी भी तरह के नेट के कपड़े का बनाए, ये बहुत ही प्रिटी लगता है। तो मैं इसे फटाफट सिल लूँगी। ठीक है, सिलाई के साथ साथ आपको इसे सेट करने पर चलना है। फिर हम ये स्ट्रिप लेंगे और जो हम इसमें बीच में क्लिप लगाएंगे वो लेंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जो आपका फ्रंट वाला साइड है, देखिए ये सिलाई अंदर की तरफ करनी है और फ्रंट वाले साइड को आगे करते हुए बैक साइड तरफ आपको ये पिन, ये स्ट्रिप ले जानी है। आप देख सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ ना, आप वैसे ही लगाइएगा।
इस मैंने आपको स्ट्रिप की लंबाई नहीं बताई है क्योंकि वो आपके नेट के कपड़े के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितनी लेनी है। फिर ये देखिए एक्स्ट्रा में जो हमारा ये स्ट्रिप की लंबाई है ना, हमें इसे काट के अलग कर देंगे। ठीक, इस तरीके से अब हमें ये क्लिप लेनी है और इस क्लिप को इसके ऊपर इस तरीके से देखिए ऐसे लगानी है। तो हम क्या करेंगे, ये स्ट्रिप को उठाएंगे, फिर इस क्लिप को इस तरीके से ऐसे लगाएंगे, ये जो हमारी स्ट्रिप है हम उसे अंदर डालेंगे। ठीक, और फिर दूसरी स्ट्रिप इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हुए लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो सुई धागा था उससे हम इसे सिल लेंगे। तो इस क्लिप में कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा आ गया, उसे निकाल के अलग कर देंगे। फिर हम यहाँ पे फटाफट स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सिल के रेडी कर लिया है और इसमें दो तीन गठाने लगा ली हैं ताकि ये निकले ना। अब हम ये धागा काट देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा बन चुका है। हम इसे थोड़ा सा सेट कर लेंगे पूरा ताकि इसका लुक प्रॉपर रहे। अब हम क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। आप चाहे तो स्किप कर दीजिए। तो देखिए मैंने इस टाइप के मोती यूज़ किए हैं, इसमें सारे साइज़ के मोती हैं और ये फेबिकॉल। ठीक है, आपको फेबिकॉल लेना है, मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी और इसके ऊपर मोती लगाऊंगी। ठीक, आपको जस्ट ऐसे ही करना है। फैब्रिक यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है वो फैब्रिक वाला फेबिकॉल है। ऐसे फेबिकॉल के डॉट रखने हैं और फिर उसके ऊपर ये मोती चिपकाने। मैंने यहाँ पे सारे साइज़ के मोती यूज़ किया है ना, छोटे बड़े सारे साइज़ के मिक्स मोती हैं। आप चाहें तो अलग अलग साइज़ के मोती यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो एक ही साइज़ के मोती यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। तो फटाफट मैं क्या करूँगी, इनके ऊपर मोती चिपका लूँगी। मैंने यहाँ पे वाइट मोती का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे कलरफुल मोती का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे 30 मिनट ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये ड्राई हो चुका है, ये हमारा प्रिटी सा हेयर बो क्लिप बनके तैयार है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।